तो दोस्तों फाइनली हमने कंप्लीट कर ली है अपने 50 के सब्सक्राइबर, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आई होप जैसा कि प्यार आपने हमारे चैनल को अब तक दिया है, आप लोग आगे भी देते रहोगे। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है 100K का, और आई होप कि इस साल के एंड तक आप इस चैनल पे 100K की भी फैमिली पूरी कर दोगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना हमारे दूसरे चैनल को भी दो, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाओ यार उसको भी सब्सक्राइब कर लो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले काइट फाइटिंग, और दोस्तों की पतंग काटेंगे। मेरी तरफ आज काफ़ी पतंगें उड़ रही हैं, तो ये रखी है हमारी पतंग। और भाई यहाँ पे हमारा मंजा और सद्दी रखा है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये जो मंजा है आप लोग कहेंगे इतनी छोटी चरखी में आपने क्यों चढ़ा रखा है, तो ऐसा है कि जो मंजा मैं पेड़ उड़ाता हूँ, जो मंजा बच के आ जाता है वो मैं इसी चरखी में चढ़ा लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई बचे हुए मंजे से कि हम पेड़ लड़ा सकते हैं। तो हाँ भाई, आप डेफिनेटली पेड़ लड़ा सकते हैं बचे हुए मंजे से, लेकिन बस आप छोटे छोटे पेड़ लड़ाया करो, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत चांस रहता है टूटने का पतंग, इसलिए आप छोटे छोटे पेड़ लड़ा लिया करो। तो जितना ही मंजा बच के आता है मेरा वो मैं सब इस चरखी में चढ़ा लेता हूँ। तो चलिए अब हम इस पतंग को तैयार करते हैं और आपको पेड़ लड़ा के दिखाते हैं। तो पतंग हम सबसे पहले चूज कर लेते हैं, जो आज हवा की स्पीड है वो नॉर्मल है, तो कैसी भी पतंग चल जाएगी। तो याली पतंग हम निकाल लेते हैं, एक बार इसे भी देख लेता हूँ कैसी है। ये भी हल्की पतंग है, मीडियम पतंग है, दोनों जितनी भी रखी है मतलब तीनों मीडियम पतंग है। तो हम ये वाली निकालते हैं और इन दो को हम रखते हैं अलग। चलिए अब इस पतंग के हम कन्ने बांधते हैं और फिर सीधे आपको पतंग उड़ा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले अपनी पतंग को चेक कर लेंगे कि हमारी पतंग कहीं पे लग तो नहीं रही है, और लग रही होगी फिर उस पतंग को सही करके हम दोबारा छोड़ेंगे। और जब भी आप पतंग चेक करा करो वो सद्दी से चेक करा करो, मंजे से चेक मत करा करो, क्योंकि अगर आप मंजे से चेक करोगे तो आपका मंजा ख़राब हो जाएगा और फिर आगे चल के आपकी पतंग टूट जाएगी। तो सद्दी से चेक करा करो हमेशा पतंग। तो अभी हम इस पतंग को थोड़ी सी पहले पार करते हैं और फिर चेक करते हैं, और ऊपर से देखिए काटने आ रहा है वो अभी से ही, हमने पार भी नहीं करी है। चलो चेक करके देख लेते हैं पतंग सीधी है या नहीं। तो पतंग हमारी जो है पूरी सीधी है, ये देखिए नीचे मारी है ऐसे, पतंग को घुमाइए और फिर स्ट्रेट खींचिए। अगर आपकी पतंग सीधी जा रही है ऊपर तो समझ लेना आपकी पतंग सीधी है। तो यहाँ पर मैं अपनी पतंग उतार लेता हूँ क्योंकि हमारी पतंग सीधी है, तो इसमें बिल्कुल भी काप वाप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सीधे इस पतंग को मंजे से छोड़ते हैं और फिर आपको पेड़ लड़ा के मैं दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम अपनी पतंग को करते हैं मंजे से पार। तो ये रही हमारी पतंग और हम करते हैं इसे पार। तो वो देखिए हमारा आपको सामने दिख रहा होगा, तो काफ़ी पतंगें उड़ रही हैं, तो अभी हम इन्हीं से पेड़ लड़ाएंगे। और आज की वीडियो में जो पेड़ लड़ाने वाले हैं, आज हम नीचे से भी पेड़ लड़ाएंगे और ऊपर से भी पेड़ लड़ाएंगे। और पेड़ मैं कोशिश करूंगा कि छोटे रेंज में पेड़ लड़ाऊँ ताकि आपको कैमरे में जो है क्लियरली दिख सके पेड़। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं काफ़ी पेड़ लड़ाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, और देखते हैं फिर हमारी हम पतंग काट पाते हैं या हमारी पतंग कटती है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे हम अपनी करने लगे पतंग पार, और सामने हमारे जो अपोनेंट हैं वही पतंग बढ़ा रहे हैं हमसे लड़ाने के लिए। तो चलो अब उनसे पेड़ लड़ाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हम पेड़ लड़ाने लगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी वो मेरी पतंग है, मैंने नीचे का पेड़ लिया, और जो मेरे अपोनेंट की पतंग है वो आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख जाएगी, वो ऊपर से है। तो ये गया मैं नीचे से, पतंग मैंने उसे उठा के दी, और उसकी पतंग जो अभी किसी और पतंग में पड़ गई है, तो पहले वो उसकी काटेगा, मैं अपनी पतंग नीचे कर लेता हूँ। पिद्दे पे पड़ गई है उसकी पतंग, तो चलिए उसने पिद्दा काट दिया। तो अब हम दोबारा से पेड़ लड़ाते हैं, मैं नीचे से ही हूँ अभी, और वो आया ऊपर से मेरे मुँह की तरफ, ये गया मैं, पतंग उसे उठा के दी मैंने, वो स्ट्रेट मारेगा जहाँ तक है, उनने मारा बाहर का निकलता हुआ, मैंने इधर को खींची बाहर को और उसकी पतंग काट दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने पहली पतंग काट दी अपनी। तो अब हम सेकंड पेज लड़ाएंगे, तो आप वो भी देखना, सामने आपको पतंग दिख रही होगी तो उससे हम लड़ाते हैं, तो आप वीडियो को देखते रहो। तो दोस्तों वो देखिए एक आगे से ब्लैक कलर की पतंग उड़ रही है, तो अभी हम उससे पेज लड़ाते हैं। तो
आपको जो रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी वो मेरी पतंग है, मैंने लिया ऊपर का पेज और जिससे मैं पेज उड़ा रहा हूँ उसकी ब्लू सर्कल के अंदर आपको दिख जाएगी, वो नीचे से आ रहा है। ये गया मैं उसके हाथ की तरफ, थोड़ा बाहर का मैंने मुड्डा बनाया है, थोड़ी पतंग मैंने उठाई, ये देखिए पतंग मैंने पूरी मारता हुआ चली गया मैं बाहर को क्रॉस में, और उसकी पतंग मैंने काट दी। तो वो देखिए हमने यहाँ पे दो पतंगें काट दी हैं और वो जाती भी उसकी पतंग। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा तीसरा पेज और सामने आपको एक और पतंग दिख रही होगी ब्लैक कलर की, तो उससे हम लड़ाते हैं। उसकी पतंग देखिए पूरी एटी भी है, राउंड हो रही है उसकी पतंग। ये गया मैं ऊपर से, मेरी रेड सर्कल के अंदर है और उसकी ब्लू सर्कल के अंदर है, वो नीचे से आ रहा है। उसकी पूरी राउंड पतंग है, उन्होंने खींची मैंने मारी और बस वो टच होते ही चले गई। तो यहाँ पे देखिए हमने लगातार तीन पतंगें काट दी हैं और जो इसकी पतंग थी पूरी राउंड पतंग थी यार, और राउंड पतंग में काफ़ी ख़तरा होता लड़ाने में, उनकी पतंग लग जाती है बाहर या अंदर की। तो यहाँ पे हमने ये वाली पतंग काट दी है। तो यहाँ पे ये देखिए एक और पतंग उड़ रही है आगे से, हरे कलर की पतंग है आपको दिख रही होगी, वो आगे से उड़ा रहा है तो उससे भी हम पेज उड़ाते हैं अभी। तो वो रही मेरी पतंग, मैं रेड सर्कल के अंदर हूँ और उसकी जो पतंग है वो ब्लू सर्कल के अंदर आपको दिख जाएगी, वो आ रहा है नीचे से, मैं गया ऊपर से। तो आया वो भरता हुआ लेकिन वो पेड़ की तरफ चले गया, तो मैं थोड़ा इधर को बुला रहा हूँ उसे। ये देखिए मैं थोड़ा सा नीचे रखी मैंने पतंग, उसने पतंग खींची है और पेज फंस गया है, तो उसने जो मेरी पतंग है वो कन्नों के पास फंसा ली थी। तो मैंने पहले पूरी ढील छोड़ी और उसके बाद एकदम से पतंग खींच के उसकी पतंग काट दी। तो यहाँ पे देखिए हमने लगातार चार पतंगें काट दी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा। काफ़ी जल्दी जल्दी मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने पतंगबाज दोस्तों में ये वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो पतंग है ये मेरे पीछे से पार हो रही है और ये रही मेरी पतंग, और जहाँ तक मुझे लगता है ये मुझसे लड़ाने आएगा। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जो भाई मेरे पीछे से पतंग उड़ाता है उसकी पतंग कैसे काटें। तो अभी आप अगला पेज देखना, उम्मीद करते हैं कि हम अगला पेज काट ही देंगे। तो अभी ये जैसी पतंग अपनी पार करता है फिर मैं आपको डायरेक्टली पेज लड़ा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा पेज, तो मैंने लिया नीचे का पेज, तो वो रेड सर्कल के अंदर आपको मेरी पतंग दिख रही होगी और जो मेरे अपोनेंट की पतंग है वो ब्लू सर्कल के अंदर है। तो हमेशा जो पीछे से आपसे पतंग उड़ाता है तो उसको आप हमेशा ऊपर का पेज दिया करो और आप हमेशा नीचे का पेज लिया करो, तो आपके पतंग काटने के चांस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे हम अपना पेज बना रहे हैं, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि भाई अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दो, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाओ मुझे फॉलो कर लो, जिसको फॉलो करना जाके फॉलो कर लो, मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख हम पेज में फोकस करते हैं, तो थोड़ा ब्लर हो गया, पहले मैं कैमरा सही से सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैं चला नीचे से, मेरा अपोनेंट बाहर को ले जाता हुआ, मैंने हल्की सी खींची, उसने नीचे मुड्डा मारा, मैंने पतंग को रोकी अपनी, उसके बाद मैंने दोबारा पतंग को खींच के नीचे झटका मार के और उसकी पतंग काट दी। तो दोस्तों हुआ क्या था, मैंने जब दोबारा खींची थी तो मेरी पतंग पूरी लटक गई थी और मेरी पतंग कट जाती, तो मैंने एक थपकी मारी और उतने में उसकी पतंग काट दी। तो अभी हमने आज लगातार पाँच पतंगें काट दी हैं, तो अभी ये देखना कि हम आगे कितनी पतंगें काट पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पिंक कलर की आपको पतंग दिख रही होगी, तो अभी हम उससे पेज लड़ाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नीचे से, वो रही मेरी पतंग रेड सर्कल के अंदर आपको दिख रही होगी और वो पिंक कलर की पतंग से हम पेज लड़ाते हैं, उसकी पतंग ब्लू सर्कल के अंदर आपको दिख जाएगी। तो ये गए हम नीचे से और वो देखिए एक बंदा हमारी पतंग में डाल रहा है, उसकी पतंग पूरी बेकार है, वो देखिए उसने डाल दिया पूरा। तो पहले हम अपनी पतंग बचा लेते हैं वरना ये काट देगा सर्दी से। तो यहाँ पर मैं अपनी पतंग बाहर निकाल लेता हूँ, चलिए अब उसने अपनी पतंग बचा ली, हटा रहा है वो अपनी पतंग। तो उस बंदे ने अपनी पतंग हटा दी है, तो अब हम पिंक कलर की पतंग से लड़ाते हैं दोबारा से पेज। ये गए हम नीचे से, तो ये देखिए दोस्तों ये गए हम नीचे से और जो है वो हमारा फिर से मुंह की तरफ भागा, उसने खींची स्ट्रेट, मैंने ऊपर खींची
और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों की पतंगें कट गई हैं, उसकी पतंग कट गई, हमारी भी पतंग कट गई। तो दोस्तों आज हमने 5 पतंगें काटी, उसके बाद हमारी भी पतंग कट गई और हमारे अपोनेंट की पतंग कट गई। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंग वाले दोस्तों में। तो मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।